अमृत महोत्सव का शुभारंभ कर पुरस्कार वितरित किए। नगर परिषद इंदागढ़ में हुए सफाई मित्र सम्मान समारोह। भारत शासन एवं मध्य प्रदेश शासन नगरीय प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार मंगलवार को इंदरगढ़ नगर परिषद के सभागार में आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है। साथ ही मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र सिंह यादव, उपयंत्री नंदकिशोर गोस्वामी, राजस्व निरीक्षक हरेंद्र श्रीवास्तव, कीर्ति खरे और पुरुषोत्तम दारोगा नीरज छारी, नगर के समाज सेवी एवं स्वच्छता कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में जनप्रतिनिधियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी महेंद्र यादव ने 27 सितंबर से 3 अक्टूबर तक होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर समाज सेवी रमेश खटीक, रवि झा, शिक्षक भटकारिया के साथ कार्यालय के कर्मचारी उपस्थित थे। नगर परिषद के सफाई सदस्यों के द्वारा परिषद के विभिन्न वार्डों में जाकर नगरवासियों को कचरा अलग करो अमृत दिवस के अंतर्गत गीला कचरे हरे बिन में, सूखा कचरा नीले बिन में, सैनिटरी कचरा पीले बिन में, घरेलू हानिकारक अपशिष्ट काले डस्टबिन में, कचरा वाहन को देने के लिए 4 डस्टबिन का उपयोग करने के लिए नगरवासियों को जागरूक किया गया। कार्यालय में आयोजित सेमिनार में होम कंपोस्ट, ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन, डिस्पोजल सामग्री के उपयोग करने की विधि को प्रदर्शित किया गया। साथ ही सफाई मित्रों का सम्मान और नगर के अनेक नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। सर बताएं, आज का जो कार्यक्रम हुआ है वो उसका उद्देश्य क्या था? आजादी का अमृत उत्सव जो मनाया गया है उसमें हमने आज सफाई मित्रों का सम्मान किया है और हमारे नगर में जिन लोगों ने स्वच्छता में अच्छा कार्य किया उन गणमान्य व्यक्तियों का भी और शहरी क्षेत्रों के लोगों का सम्मान किया है। स्वच्छता को लेकर भी आपने आज काफी जागरूकता कार्यक्रम किया है, तो इसके बाद आगे और आयोजन करते रहेंगे आप? नहीं, आयोजन तो समय समय पर होते ही रहेंगे, लेकिन जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्यों हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए तभी हम स्वच्छता में नंबर 1 बन पाएंगे जब हम ये समय समय पर कार्यक्रम करते रहेंगे।